बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। हम भाई सबसे पहले बात कर लेंगे ओपन मार्केट की, पाकिस्तान की। मैं आपको बता दूं मैं कि ओपन मार्केट में भाई तहलका है। तहलके से मुराद ये है कि लोग लूट रहे हैं परदेसियों को, और इस वक्त आप बराए मेहरबानी अगर दो चार दिन वेट कर लें ओपन मार्केट में, कोई भी मेरा परदेसी भाई अगर पाकिस्तान गया हुआ तो रियाल इस वक्त दो चार दिन एक्सचेंज मत करवाए। उसके बाद जैसे ही ओपन मार्केट ओपन हो जाएगी तो फिर आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। और अगर रेट के मुतलक बात करने, वैसे 73 रुपये प्लस में ही है ओपन मार्केट में रेट, इससे डाउन नहीं है। रात को मैंने जो वीडियो लगाई थी उसमें मैंने आपको परदेसी भाई के मैसेज भी सुना दिए थे, जो बोल रहा था कि हमारे देहात में तो 72 रुपये या 72 रुपये 50 पैसे के अराउंड में बोल रहे हैं, वो भाई 1 रुपया रेट ही कम बता रहे हैं। कैसी बात है, अगर कोई परदेसी भाई 5,000 चेंज करवाएगा तो 5,000 की तो उनको वही लगी। तो इसलिए भाई किसी शहर में जाएँ, शहर में 5, 7, 10 एक्सचेंज रेट वाले उनके पास जाएँ, घूमें, जिसके पास आपको अच्छा मिले उससे एक्सचेंज करवाएँ। और 73 रुपये प्लस में है, हाँ बढ़ेगा कब, वेट कर लें चंद दिन। इस वक्त ऐसा नहीं है कि महंगाई पाकिस्तान में बढ़ती जाए और रियाल नीचे आता जाए, ऐसे हो पहले कभी हुआ ही नहीं है। महंगाई उसी टाइम पाकिस्तान में होती थी जब डॉलर और रियाल ऊपर जाते थे, और इस वक्त पेट्रोल आपको पता है ऊपर जा रहा है और रियाल नीचे आ रहा है, और पाकिस्तान में महंगाई भी ऊपर जा रही है। कैसा काम है वैसे, लेकिन कितने के दिन, एक दिन तो जंप लगेगा, चंद दिन वेट कर लें बस। अच्छा, रेट के मुतलक बात कर लेते हैं जी। और दूसरी बात, मैं एक वीडियो आपके साथ पहले लगा चुका हूँ मैं इन्वेस्ट के मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट, जिन भाइयों ने किया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लाखों कमा लिए भाई। आपको पता है गोल्ड रेट इस वक्त पाकिस्तान में तो तकरीबन मैं सुन रहा हूँ कि 250 के करीब है, पहुँच चुका है। अगर किसी भाई को पाकिस्तानी कन्फर्म रेट पर मालूम है तो वो नीचे कमेंट कर दे, तमाम परदेसी भाइयों को भी पता चल जाए, मुझे भी पता चल जाएगा। अच्छा जी, रेट के मतलब आते हैं तो अगर एक्सचेंज रेट की भाई बात करें तो आज का 73 रुपये 90 पैसे पाकिस्तानी रुपए, इंडिया भाई 22 रुपये 20 पैसे, बांग्लादेशी टका 29 टके 22 पैसे। अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें तो इनमें राजी बैंक, तहवीर राजी का सबसे पहले आज मैं जिक्र करूँगा भाई, इनका आज का रेट 73 रुपये 14 पैसे रहा और 10, 17 एंड 23 रियाल इनकी फ़ीस है। अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो भाई इनका आज का रेट 73 रुपये 32 पैसे और 10, 17 एंड 23 रियाल इनकी भी फीस है। अगर मनीग्राम की बात करें तो मनीग्राम का आज का 73 रुपये 23 पैसे रहा और 10, 17 एंड 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक की हम बात करें भाई तो इनका आज का रेट 73 रुपये 27 पैसे रहा और 10, 17 एंड 23 रियाल भाई इनकी भी फीस है। अगर इसके बाद बात कर लेंगे STCPay की, तो STCPay का भाई आज का जो रेट है वो 73 रुपये 19 पैसे रहा और 10, 17 एंड 23 रियाल फीस के साथ। फौरी बैंक, बैंक जजीरा की बात करें तो भाई इनका आज का रेट 73 रुपये 32 पैसे और 10, 17 एंड 23 रियाल के फीस के साथ। अगर आप इंजाज बैंक से भेजना चाहते हैं तो 73 रुपये 22 पैसे रेट है। अगर भाई क्विक पे के थ्रू आप सेंड करना चाहते हैं तो क्विक पे आज का 73 रुपये 33 पैसे। अगर फ्रेंडी की बात करें तो भाई फ्रेंडी आज का रेट 73 रुपये 21 पैसे और फीस वही है भाई 10, 17 एंड 23 रियाल। रियाल ऊपर कब जाएगा, मेरे नज़दीक भाई इसमें 1-1.5 मंथ लग सकता है, फिर रियाल में जंप लग जाएगा, ये कन्फर्म है।